हेलो वेलकम बैक। और आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं हैंडल बार एंड इंडिकेटर, और जो कि हम लोग का यहाँ लगाने वाले हैं ये वाला एंड में यहाँ पर लगेगा, जो कि DRL प्लस इंडिकेटर दोनों है। और तो ये प्रोडक्ट हम लोगों ने मंगाया है अमेजोन से, और तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और हम लोग का सामान, चलिए इसको खोलते हैं। और हम लोग पहले ही खोल दिए हैं, और तो चलिए फिर भी देख लेते हैं अंदर क्या है। और हम लोगों ने इसमें मंगाया है LED ब्लिंकर जो कि बार एंड वाला है, और ये इंडिकेटर है, और जो देख सकते हैं दो पीसेस में और दोनों हैंडल में लगेगा एंड में। और इसमें DRL मिलता है और प्लस इंडिकेटर मिलता है, तो यही है सिंपल सा। चलिए जला करके दिखा देते हैं कैसे कैसे जलता है। हम लोग को तीन वायर मिलती है इसमें, रेड ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक है ग्राउंड में और ये पॉजिटिव वाला है दोनों, और जो कि वाइट वाला से हम लोग का वाइट वाला जलेगा जो कि DRL वाला जलेगा, और रेड वाला कनेक्ट करेंगे तो हम लोग का इंडिकेटर जलेगा। तो चलिए कनेक्ट करके देख लेते हैं। अभी DRL जल रहा है, और अभी रेड वाला के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग को ये इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो यही है इसका वायरिंग सिस्टम, इजी है, सिंपल है। तो चलिए करते हैं। जो कि ये है यूनिवर्सल वाला, जो कि यहाँ पर थ्रेट नहीं होने से भी हो जाएगा, जो कि स्कूटी में रहता ही नहीं है उसमें भी हो जाएगा। और जो कि हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, तार को पूरा घुसा देंगे और ये इस प्रकार लगाएंगे इस तरह से, लेकिन हम लोग का वायर आगे से कहीं से निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पर ड्रिल करने का सोचे हैं। इधर में एक ड्रिल करने का सोचे हैं और वो साइड वाला ड्रिल करने का सोचे हैं, ये राइट साइड वाला वायर के लिए ये साइड ड्रिल करने सोचे हैं, और ड्रिल करके दोनों को लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं। और हम लोग के यहाँ सेंटर पंच नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये लकड़ी वाला बीट ले लिया है। पंच करेंगे ड्रिल करने से पहले, पंच करेंगे ताकि हम लोग का ड्रिल ना फिसले। तो चलिए इसको मतलब पंच कर देते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं पंच करने का। और मैंने ट्राई किया था एक बार, और हम लोग का पंच यहाँ पर हम लोग कर लिए ये साइड में, और ये साइड भी कर लेते हैं हम लोग। और हम लोग ने ये पंच दे दिया यहाँ पे, हम लोग को लगता है इतना से ड्रिल नहीं फिसलेगा हम लोग का। तो यही है, हम लोग पंच दे दिए हैं, तो चलिए अब ड्रिल करते हैं। और ये हम लोगों ने ड्रिलिंग मशीन लिया है, और जो कि हम लोग के घर में कुछ काम था इसलिए भी मैंने ले लिया है ये ड्रिलिंग मशीन। तो यही करने का कोशिश करते हैं छेद, तो चलिए करते हैं। तो यही हम लोगों ने एक साइड ड्रिल कर लिया है, और जो हम लोग का छोटा पड़ जाएगा तो हम लोग मोटा कर लेंगे। और तो ये चले करते हैं बस। और ये 3.5 mm वाला था ड्रिलिंग भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो चलिए ये साइड भी हम लोग ड्रिल कर लेते हैं। तो चलिए ये साइड भी हम लोग का हो गया है। और ये आप लोग यहाँ घर में ड्रिल मशीन नहीं है तो आप लोग मार्केट में करा सकते हैं, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लेगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। और हम लोग का 3.5 ये होल बहुत छोटा हो रहा था, इसलिए हम लोग ने बड़ा वाला लिया 4.5 का, इसको बड़ा कर लेंगे। वायर हम लोग का अट नहीं रहा था, तीन गो वायर यहाँ से निकलेगा, तो इसको हम लोग ये होल को हम लोग बड़ा कर रहे हैं 4.5 mm वाला से। तो चलिए करते हैं। तो चलिए दोनों साइड हो गया है, अब तीन गो वायर पार हो जाना चाहिए। और ये हम लोगों ने ये तीन गो वायर ले लिया है, जो कि हम लोग यहाँ से मतलब ये वायर को एक्सटेंड करेंगे, वो वाला में नहीं हो रहा है इंडिकेटर में। तो चलिए ये उधर निकालने का कोशिश करते हैं हैंडल बार के एंड में, और ये ऊपर साइड में ढकेल रहा हूँ ताकि हम लोग उधर जाए। और या फिर आप लोग ये पतला सा तार ले सकते हैं जो कि उधर से खींचने का काम आएगा। और तो मैं और ये हम लोग का ये साइड से निकल गया, ये साइड से देख सकते हैं हम लोग का ये पूरा निकल गया। और तीन गो वायर ले लिए हैं इधर, और हम लोगों ने ये साइड भी हम लोगों ने ये कर लिया है, यही आप लोग देख सकते हैं ये साइड कर सकते हैं। और ये साइड में दो गो रेड वायर है और एक ब्लैक के साथ एक्सटेंड किए हैं, और ये साइड में दो गो ब्लैक और एक गो रेड वायर से एक्सटेंड किए हैं।
चलिए तो अब वायरिंग कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए ये इंडिकेटर वाला वायर को हम लोग जोड़ते हैं और हम लोगों ने ये स्लॉट टेप कर लिया है। और तो चलिए घीच घीच करके उधर पार करते हैं और इधर सटाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये नट टाइट कर लेते हैं और ये टाइट करते रहिए जब तक आपका साइज का नहीं आ जाएगा 12 इंच साइज का। और ये टाइट हो गया जैसे। और ये घुमाने की कोशिश कीजिए, ये हो जाएगा। और ये मेरा हो गया ये सेट, ये ना, और कुछ इस तरह दिख रहा है। और तो चलिए वो साइड भी कर लेते हैं। तो यही हम लोग ने दोनों तरफ का वायर को हम लोग एक्सटेंड किए हैं। और जो कि हम लोग का ये लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव टर्मिनल है और राइट साइड वाला नेगेटिव टर्मिनल को एक जोड़ देते हैं। जोड़ करके हम लोग ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में वायर कर देंगे। और ये दोनों साइड का नेगेटिव टर्मिनल हो गया एक साथ। और जो हम लोग का राइट साइड वाला ब्लैक है, ये है DRL वाला, यानी कि वाइट वाला राइट साइड वाला, और ये रेड वाला लेफ्ट साइड वाला का DRL है। दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद हम लोग इग्निशन में घुसाएंगे ताकि हम लोग जब भी इग्निशन ऑन करें या फिर की ऑन करें तो हम लोग का जलने लगे कि हम लोग ये इग्निशन में लगाएंगे। चलिए ये इग्निशन खुल गया है और यहीं पर लगाना है ये साइड वाला में। और ये साइड कैसे डिसाइड करेंगे, और ये दूसरा साइड में लगाएंगे तो DRL सीधा जलने लगेगा विदाउट ऑन, और ये साइड में लगाएंगे तो मतलब जब इग्निशन चालू करेंगे तब ऑन। तो ये कंफ्यूज मत हो जाइए, समझ जाएंगे, ये सिंपल सा है। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, चाबी ऑन करके देखते हैं और दोनों DRL जलना चाहिए। तो चालू करते हैं और ये दोनों DRL जल गया, यानी कि जब भी इग्निशन चालू रहेगा दोनों DRL जल रहेगा ये बढ़िया से इस तरह। चलिए ऑफ करते हैं और इंडिकेटर वाला कर लेते हैं। और जो हम लोग का इंडिकेटर वाला है, इंडिकेटर वाला वायर हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे यहाँ पे, जो कि इंडिकेटर BS4 में अलग अलग देती है जो वायर है लेफ्ट राइट में। और जो कि हम लोग ये ब्लू वाला में करेंगे, ग्रीन वाला ये ग्राउंड है, ये मतलब नेगेटिव, और ये साइड भी एक ग्रीन रहेगा, ये भी नेगेटिव है। और हम लोग को पॉजिटिव में जोड़ना है, यानी कि ये साइड वाला ऑरेंज में जोड़ना है और ये साइड हम लोग का ब्लू में जोड़ना है। तो ये रहा हम लोग का लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर का वायर। तो हम लोग ये डालेंगे, हम लोग ब्लू में कनेक्ट करेंगे। तो ये साइड ब्लू में डाल दिए हैं ये साइड। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं इसको और ये पॉजिटिव में डालें मतलब। और ये दूसरा साइड वाला, ये है राइट साइड वाला इंडिकेटर वाला वायर, और ये भी डाल लेते हैं हम ऑरेंज में। चलिए और ऑरेंज वाला में घुसा दिए और चलिए ये हो गया और मैंने टाइट कर दिया। तो चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग का इंडिकेटर काम करता है कि नहीं, मीन्स हम लोग का 12 इंच वाला काम करता है कि नहीं। तो चलिए मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, कर लेते हैं। वाह, यानी कि हम लोगों ने सही किया है। और तो चलिए हम लोग इंडिकेटर जला लेते। और जैसे आप लोग देख सकते हैं कि शाम हो गया और हम लोग चलिए अभी शाम को टेस्ट करते हैं गाड़ी को। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं। और मेरे यहाँ अभी हेलमेट नहीं है तो बुरा मत मानिएगा। तो यही था हम लोग का वीडियो ये इंडिकेटर के ऊपर, जो कि हैंडल बार एंड इंडिकेटर के ऊपर
ये बहुत ही सिंपल है, खाली बस हम लोग को हैंडल बार यहाँ पर ड्रिल करना पड़ा ये अंदर के साइड, ये दोनों साइड। ये आप लोग मार्केट में भी करा सकते हैं, खाली ड्रिलिंग में थोड़ा हार्ड लगेगा। तो यही था हम लोग का बार हेड इंडिकेटर के ऊपर वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और वैसे ढेर सारा वीडियोस देखना है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।